इधर फ्रांस में हमलावर ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए 3 लोगों का सिर धड़ से किया अलग। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद से लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है भारत। मलेशिया के पूर्व पीएम ने मुसलमानों को किससे बदला लेने को कहा। फ्रांस में हमला करने वाले हमलावर की हुई पहचान। देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद की कार्टून को लेकर छिड़े विवाद के बीच बड़ा आतंकी हमला हुआ है। नीस के नोटरडम चर्च के बाहर हमलावर ने सिर कलम कर महिला समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। आतंकी ने महिला के सिर को धड़ से अलग करते समय अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। फ्रांस पुलिस के सार्टर विले के सेंट मार्टिन चर्च में हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने नीस की तरह हमले को अंजाम देने चर्च में घुस रहे हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चाकू बरामद हुआ है। पुलिस को हमलावर के पिता ने बेटे के हमले करने की जानकारी दी थी। फ्रांस की नीस में आतंकी हमले के थोड़ी ही देर बाद सऊदी अरब में फ्रांस के वाणिज्य दूतावास में भी हमला हुआ। जेद्दी में फ्रांसीसी दूतावास की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस की नीस में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा कि फ्रांस में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ मजबूती से खड़ा है। हमले में मारे गए लोगों के परिवारों और फ्रांस के नागरिकों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। फ्रांस में हुए आतंकी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अपने सबसे पुराने सहयोगी फ्रांस के साथ खड़े हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी हमलों को तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो इसे ज्यादा दिन सहा नहीं जा सकता। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बयान के विरोध में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। मसूद ने कहा कि इमैनुअल मैक्रों के बयान से हम दुखी हैं, इसीलिए भारत को भी फ्रांस के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर आरिफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ दिए गए बयान पर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने निशाना साधा है। महातिर ने कहा कि मैक्रों के बयान से गुस्साए मुसलमानों को फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ दिए गए बयान पर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने निशाना साधा है। महातिर ने कहा कि मैक्रों के बयान से गुस्साए मुसलमानों को फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है। फ्रांस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने नीस में सिर कलम कर 3 लोगों की हत्या करने वाले हमलावर की पहचान कर ली है। चर्च में हमला करने वाले आतंकी ट्यूनिशिया का रहने वाला है और 9 अक्टूबर को ही फ्रांस आया था। हमलावर ने चर्च में घुसकर 3 लोगों की सिर कलम कर हत्या की थी। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।